पे यानी हमारे कॉलेज में शुरू किया, तो उस टाइम पे जो ट्रेनर का नाम था वो था परवेश का। और जैसा कि गहरा सर सोच रहे थे कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है तो वो कहीं से तो भी मुंबई से होगा या पुणे से होगा या कहीं और से होगा, वैसा मुझे भी लग रहा था। मैंने परवेश सर के लिए गेस्ट हाउस बुक कर लिया हर लक्ष्मण सर ने, क्योंकि बाहर से आने वाला बंदा तो गेस्ट हाउस लगेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों किया था हमने, तो गेस्ट आने वाला है बाहर से रहेगा ट्रेनर। और जब मुलाकात हुई सामने तब बोले सर कि मैं लोकल से हूँ, मतलब औरंगाबाद से ही हूँ। अरे वो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, जैसे गहरा सर को हुआ वैसे लक्ष्मण सर वैसे मुझे भी हुआ कि अरे ट्रेनर तो यही से है, लोकल से ही, अपना ही आदमी है। चलो फिर अपना आदमी है तो उसकी वैल्यू तो बढ़ानी होगी। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा ही, बट मैंने उनके सेशन अटेंड करे। अभी ये तारीफ के बदले में कुछ मिलने वाला नहीं मुझे परवेश सर से, तो पहले ही आप बोलोगे कि यार कुछ लेके देके हो रहा क्या, वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनका सेशन अटेंड करे, 3 दिन मैं बैठा ही रहा मेरे स्टूडेंट के पीछे, क्योंकि मुझे हर बात अभी ट्रेनर्स की जरूरत पड़ती है तो कहां से लाने का, तो देख रहा मैं कैसे चलो। तो ये फंडा रहता हमारे इसमें, अगर ट्रेनर समझो कोई भी टीचर या ट्रेनर, अभी ये टेक्नोलॉजी ना बहुत असिस्ट करती सर, ये अभी पीपीटी ओपन कर दिया क्या, कुछ पढ़ा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं ट्रेनर को, वो क्या करता बस आगे आगे स्लाइड चलो बदल गई वो पढ़ के ही बोलता था। तो ये बंदे का मैंने ऐसा देखा कि स्लाइड एक ही खुलती थी जिसपे पूरे सेशन का, मतलब 3 घंटे का सेशन चलने वाला है ना, तो शुरू से लेकर एंड तक पूरे पॉइंट्स जो है वहां पे रहते थे, वो स्लाइड आगे ही नहीं जाती थी। हालांकि आगे बहुत 20-25 स्लाइड जितने भी पॉइंट्स है ना उसके हर एक दो दो एग्जांपल लेके पूरा था। तो ये बंदा जैसे ये एक फ्रंट पेज अगर शुरू कर दिया ना वो वैसा ही रहता था एंड तक। और बाद में मैं देखता था ये सब चीजें, तो मैं देखता था उसमें का कौन सा पॉइंट छूट गया, कोई भी नहीं छूटा रहा। तो ये जो है ये आता है अंदर से, भले ही हम सॉफ्ट स्किल कितना भी बोले कितना भी फेस वॉश करके आईफोन कर ले बट वो नहीं होता, ये जो है ना ये अंदर से ही रहता है। जनून है, करना है कुछ सोसाइटी के लिए करना है, अभी कुछ भी कहो आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हमने बांट लिया है पूरा, हर एक कलर बांट लिया है, मतलब ये कलर इसका, ये कलर इसका, ये मेरी कम्युनिटी, ये मेरी कम्युनिटी, ये सब अंदर अंदर जितना भी हम कर रहे हैं ना वो बहुत ही हमारे लिए ही मतलब गड्ढा खोद रहे। तो ये सबको पता है फिर भी इंडस्ट्री को क्या जरूरत है, तो वैसा तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ये करने के लिए ये जो है उनका मतलब लाइफ स्किल जो कि इंस्टीट्यूट है वो बहुत हेल्प करेगा इसमें। आई होप ये जो है वो पूरे रीजन के लिए हेल्प करेगा, ये किसी एरिया के लिए सीमित नहीं रहेगा या किस मतलब औरंगाबाद के लिए सीमित न रहे, ये पूरे मतलब विश्व को भी अगर लेके जाए साथ में तो चलेगा। वो जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उन्होंने काम किया है कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट अगर हमारे बच्चों को मिले तो बेटर है। और तो जो भी है इस रिगार्डिंग कोई भी आपको, आप सभी लोगों को अगर हेल्प लगेंगी तो हमारा मॉडल करियर सेंटर यूनिवर्सिटी में है, नाइलेट जो नेशनल इंस्टीट्यूट में है उसमें लोकेट है, गेट के पास से ही हमारे बोर्ड जो है वो शुरू है, तो उसमें आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ये सब है, हम साथ साथ चल सकते हैं, तो इसलिए ये ओकेजन में हमें उन्होंने सहभागी किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने हमारा सुना जो भी स्पीच है उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो परवेश सर है उनको जो बोलते हैं ना हमारे मराठी में बोलते हैं आबाड़ भर शुभेच्छा मैं करना देता हूँ कि तुमको सबसे थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक्स फॉर द आईफोन जोक, बहुत मजा आया वो सुनकर। सो नाउ आई नेक्स्ट कॉल ऑन द डायस द डायरेक्टर ऑफ द लाइफ स्किल्स द मैन बिहाइंड दिस विजन मिस्टर परवेश खान सर, सो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर परवेश खान। थैंक यू मुस्तफी, थैंक यू वेरी मच। नामदु मुसल्ली अला रसूली करीम अम्मा बाद रबिशली सदी वयसिली अमरी वालू लोकतन लिसानी अफ्काव कौली अम्मा बाद।
तमाम तारीफ उस अल्लाह अज़्ज़ोजल के लिए लायक ज़ेबा है जो तमाम जहां को बनाने वाला है, और हजारों लाखों दरूद सलाम उसके आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आफ्टर द प्रेज ऑफ ऑलमाइटी आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पेशल गेस्ट गीरा सर, लक्ष्मण सर, अनिल सर, अयूब खान साहब, एडवोकेट फैज सैयद, डॉक्टर बेग सर, अब्दुल रशीद साहब और यूसुफ भाई और ऑल सभी ऑडियंस जो यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारी टीम का जो है हौसला बढ़ाया। इफ आई इंट्रोड्यूस माय इंस्टीट्यूट, इट इज इन द नेम ऑफ लाइफ स्किल्स। सो इसके नाम से ही पता चलता है कि वी आर गोइंग टू ट्रेन द पीपल इन द रियल लाइफ। रीजन बिहाइंड इट दैट बिकॉज माई सेल्फ आई वर्क इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। So I have gone through various stages of life. So whatever I have learned through the life, that I am going to teach the students. And as Mustaqim introduced me and my professional career also, so I work with many organizations. And at present also I am working with many agencies as a freelance trainer. One of them is Global Talent Track and National Skill Development Corporation of India. For these two national agencies, I am training people for soft skill. Through Global Talent Track, I'm training especially students, engineering students. जैसे कि सर ने बताया कि engineering students या कोई भी student जब वो graduation complete करते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर वो qualities नहीं होती है कि कोई company उनको job दे, तो Global Talent Track मुझे hire करता है और मैं colleges में जाकर soft skill की training देता हूँ। और उससे पता चलता है कि students जो सिर्फ अपने education और अपने percentage और अपने marks को लेकर जो satisfied थे, वो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको जब जॉब नहीं लगती है या जॉब लगने के बाद वो सरवाइव नहीं कर पाते तो फिर वो सॉफ्ट स्किल की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए बार्कलेज ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना स्टूडेंट्स को अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ट्रेन कर दिया जाए ताकि वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर वो जॉब कर सके। एक बार्कलेज का सर्वे है, वो सर्वे जरा सा मैं आपको बताता हूं, उससे पता चलेगा कि जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है, जॉब कितनी अवेलेबल है और सुटेबल कैंडिडेट्स कितने हैं। जैसे कि बार्कलेज की रिपोर्ट के मुताबिक 350 मिलियन यूथ है हमारी कंट्री में, इंडिया में 350 मिलियन यूथ है, जिसमें से 68 मिलियन यूथ हर साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, 68 मिलियन। उसमें से 20 मिलियन जॉब्स हमारे पास अवेलेबल होती है, बट अफसोस सिर्फ 2 मिलियन कैंडिडेट्स ही उस जॉब के लिए सुटेबल होते हैं। तो इसमें रीजन ये बताया जाता है कि लैकिंग सॉफ्ट स्किल्स। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है औरंगाबाद में। ऑलरेडी मैं कई सालों से इस फील्ड में हूं, स्पेशली आई डील विद कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। आई ट्रेन मेनी पीपल फॉर पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन। फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन माई टीम एंड आई वी कंडक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस फॉर मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। Like Aurangabad is a hub of banking preparation. There are many banking classes in Aurangabad. So my team and I go to those institutes and before their final interviews, we train these students for their better performance in the interviews. Not taking much more time, I would like to introduce the institute. Soft skill, again public speaking, anchoring, IELTS and human behavior, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप, इस तरह के कोर्सेस हमारे पास में है। और ये कोर्सेस शॉर्ट टर्म के हैं, इसमें सिर्फ एक ही कोर्स सबसे जो लॉन्ग पीरियड का रहेगा वो रहेगा इंग्लिश कम्युनिकेशन का, जो मंथ वाइज रहेगा, जिसमें हम कुछ लेवल्स रखेंगे वो लेवल वाइज रहेगा। अदरवाइज बाकी जितने भी कोर्सेस है जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच कैसे दे, एंकरिंग कैसे करे, इस तरह के कोर्सेस ये शॉर्ट टर्म रहेंगे, 10-15 डेज के ये हमारे कोर्सेस है। हमारे इंस्टीट्यूट का लोकेशन जो है ये गणेश कॉलोनी है और आगे हम इसको बढ़ाते हुए औरंगाबाद में अभी हमारे और प्री डिसाइडेड 3 लोकेशन है जहां पर हम इसकी ब्रांचेस शुरू करेंगे। और हम जो भी लोग इंटरेस्टेड है और ब्रांचेस के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं, दे शुड कॉन्टेक्ट अस एंड दे कैन बी द पार्टनर इन द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम्स। नाउ नॉट टेकिंग मच मोर टाइम, I'll tell you few things about me. As many of the people know my journey, I started from very bottom line. I have gone through many ups and downs in the life,
And at present, I am much successful, I am much satisfied only because of some people, those who all present here. So I would like to call them one by one here on the stage. So the list is very long, but I would like to call my mother first of all. Childhood, she always supported and she was there in each and every condition. Now we have many people, again my wife, my relatives and my friends and my Langutia yaar, Shafiq. Shafiq is you know, Shafiq has many friends, but I have only one friend. So thank you so much for that, for supporting me. In I always say that I train people for communication skill and soft skill development. But do you know from where I learn these things? The Shafiq is there. Okay. So now I would like to felicitate. Actually, I want to felicitate more people. Many people are there, but there are three pillars of my life. I would like to felicitate them. So I request. My Bale Mama, Abdur Rashid Saab, please, and Abdul Sukir Saab, please come this side. I would like to congratulate them. Thank you. Principal actually. He has served in two different colleges in Kullabar, Chittia College and Koyunur College, and he always motivated me, he encouraged me, and he made me realize my potential. And I worked with him. I was a lecturer in a college and he was my principal. But have you ever heard about the relationship between a principal and a lecturer? We stayed together, we traveled together. We took our breakfast, lunch and dinner together, even we made omelette together. So we have many relations. Actually, he's my uncle also, he's my uncle, he's my principal, he's my mentor. So we have many relationships. So he wants to share a few words with you. I hope you all listen carefully. Thank you. हमने एक जख्म हमारे सीने पे बड़ा अजीब खाया है। 1984 की बात, जब ये बच्चा 2 साल का था, पटन में रहते थे, ईद का दिन था, इसके मम्मी और इसके पापा ईद की नमाज के बाद दस्तरखान पे बैठे थे और बैठने में फसाद हुआ और हमारे घर के 2 लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें से एक उसके वालिद थे कि मेरे हाथ से छुपेरा भाई कहलाता है। उसके बाद जिंदगी के जो अप डाउन्स रहे हैं, ये मेरी भाभी ये जानती हैं और ये यतीम बच्चे जानते हैं कि उन्होंने अपने दिन कैसे निकाले, लेकिन बड़े साबिर और शाकिर अल्लाह ने इनके सब और इनकी शुक्र का बदला
इस तरह दिया कि ये मेरे भाभी का हर बच्चा आज अपने पैरों पर खड़ा। अपने पैरों पर खड़ा है बल्कि मेरे लिए काबिल फख्र। मैं इस मौके पर इनके वालिद मेरे भाई को याद करता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। यही है और भाभी आपका सब आपका शुक्र जो तकालीफ आपसे उठाए उसका समर आप देख रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल फरमा। आपको नाउ I will take my seat. So now I will request Mustaqim to come forward and complete the formalities of this program. I will not take much more time, but will tell you some more things about our program and the location and the courses, and after that we'll wind up. Yes, please, Mustaqim. Thank you very much, sir. So now it's a very personal request that sir, as said, Langoti IR, Mr. Shafiq sir is going. He wants to say something. So may I request Shafiq sir to come on the dais? Respected dignitaries, my friends, ladies and gentlemen, this is a very emotional moment for me because I have been with Parvez since my childhood. Each and every step of my life, we have been together. Today I am not feeling well, or at least I have been spoken till half an hour or so. But I just wanted to say the quality which Parvez has or he possesses, which I don't think none of the person here knows better than me. The quality which I am going to say is the perseverance. Perseverance ka mujhe Hindi mein nahi maloom, but I tell you one thing, it is very close to ziddi, dhadta. Jab Parvez ko ek cheez ko thaan le, maine ye dekha hai, mere bachpan se bachche ko saath mein raha, wo usko karte hi chhodta hai. उसके लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक शेर उसके लिए मैं अर्ज करता हूँ। मुझको मेरी हद तक ना जानिए, मुझको मेरी हद तक ना जानिए, बेहद हूं मैं, बेहिसाब हूं मैं, बे इंतहा हूं मैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं परवेज सर का ही एक स्टूडेंट हूँ। आज से एक साल पहले की बात है, मैं भी किसी क्राउड में बैठा था। सर ने बस क्राउड में बैठा करना था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी बट उसे प्रेजेंट कैसा करते नहीं पता था। सर आई एम गोइंग इन हिंदी नाउ बिकॉज सॉरी फॉर दैट, बिकॉज सर ने हमेशा सिखाया है कि जब भी खड़े रहो जो तुम्हें सिखाए पूरा बिंदास बोलो बिना डरे, बट सर टुडे आई एम गोइंग इन हिंदी। एक साल पहले की बात है, मैं एक पब्लिक का हिस्सा था और सर ने एक साल नहीं बोलूंगा, छह महीने में मुझे वहां से यहाँ पे लाके खड़ा किया है। थैंक यू वेरी मच परवेज सर। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े मुकाम पर है, बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर है। उसी में से एक है मेरा फ्रेंड प्रदीप ठेंगड़े, इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द सिटी एंड ऑल्सो सो मच बिजनेस ओनर। सो मैं आई सर प्रदीप ठेंगड़े टू कम ऑन द डायस फॉर हैविंग सम फ्यू वर्ड्स फॉर द सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर के बारे में क्या बोलना, मतलब जो बोलना था वो सब तो सभी ने बोल दिया, लेकिन मैंने उनके बर्थडे पे एक पोस्ट मैंने लिखी थी, वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। द पर्सन हु मेड मी ग्रेजुएटेड इन माई लाइफ कोर्स टू स्टैंड ऑन माई फीट इन अ स्टॉर्म टू स्टैंड अप इन स्टॉर्म्स, द पर्सन हु टेक एफर्ट्स टू मेक मी माई बेस्ट वर्जन।
He is not only teacher, he is not only manager, he is not only leader, he is not only mentor, boss, friend, brother, but also he himself is a university applied. Most people demand respect. Most people demand respect, but he is worth respecting. He is a special person for me. He is a special person for me, and for that I salute him for everything that he has earned and shared with us. सर के बारे में एक बात बोलूंगा. दो साल पहले मैं भी सर का स्टूडेंट हुआ. जब पहले उनसे मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, उसके लिए मैं मतलब पहले ये बोलता मेरी हिंदी अच्छी नहीं. जब मैंने सर से पहली बार मिला था तब मैंने लेक्चर के लिए बैठा, और लेक्चर के जैसे बैठा 15-20 मिनट गया, बोला यार क्या बोरिंग मास्टर, नहीं करना इसके लिए बात करना. पर चेंज कर दिया, वहाँ से लेक्चर चेंज किया, उनकी मैंने बैच करना ही छोड़ दिया वहाँ से. फिर एक दो महीने के बाद वही मेरे को एज अ टीचर एज अ ट्रेनर वहाँ पे आए. जब वो ट्रेनर बन के आए तब फिर बहुत बुरा लगा कि यार ये टीचर नहीं होना था, मुझे कोई और रहता तो चल जाता. लेकिन उस टाइम सर की जो लाइफ स्किल्स मिली, क्योंकि मैंने एक बात सीखी है, मैंने एक बात सर से बहुत बार सुना है कि आप जो भी एजुकेशन लेते, जो भी डिग्री कंप्लीट करते, वहां पे एजुकेशन खत्म नहीं है, वहां से एजुकेशन चालू होता है. पर उस बात मैंने जो कोर्स को नाम दिया लाइफ स्किल्स कोर्स, बहुत जनों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे हम हमारे जिंदगी में जीते वक्त स्कूल से कॉलेज से जो भी नॉलेज लेते वो टेम्पररी रहता है, वो 10-20% तक आप हमारे लिए एजुकेशन में, हमारे करियर के लिए, ग्रोथ के लिए फायदेमंद रहता है. लेकिन वहां पे सर्वाइव करने के लिए, वहां पे टॉप जाने के लिए जो भी जरूरत रहता है, वो जो स्किल्स है वो मैंने सर से सीखी है. और वो जो स्किल्स मैंने सर से सीखी वो अंदर से, वो किसी बुक से पढ़ के नहीं, वो किसी एक्स पर्सन को फॉलो करके नहीं, वो इनबिल्ट स्किल्स मैंने सर के अंदर देखी है. और मैं शुक्रगुजार हूँ सर का, शुक्रगुजार हूँ भगवान का जिसने मेरे लाइफ में सर जैसे मेंटर मेरे को दिए, तो उसके वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच प्रदीप. और एक स्टूडेंट है सर की, ज्योति पवार मैम. सो मैं रिक्वेस्ट ज्योति पवार मैम टू कम ऑन द डायस. शी इज अ ट्रेनर नाउ, effective English trainer, and she is working with two institutions. So Jyoti ma'am, please come on the dais. Good afternoon to all of you. सर के बारे में क्या बोलना, अभी सभी ने तो बोल दिया, और सर के बारे में सभी जानते हैं. सिर्फ वो चीज को जब हम